Now let's start solving problem number 25th. Electrons are emitted from an electron gun at almost zero velocity and accelerated by electric field E through a distance of 1 meter. The electrons are now scattered by an atomic hydrogen sample in ground state. What should be the minimum value of E so that red light may be emitted? Now this is a simple problem. देखिए सबसे पहले force on electron in electric field is charge into field. So this is the force on electron. Charge on electron is E. Field is E. Now work done is force into distance. So E into d, and this work done would be the kinetic energy of that electron. वह electron electric field में इतनी kinetic energy gain कर लेगा. अब उन्हें पूछा है red light may be emitted. अब red light कब emit होगी? हम कहते हैं red light is emitted if transition occurs from 3 to 2. यदि transition 3 से 2 में होगा तो red light emit होगी. और ये de-excitation होना चाहिए, और ये de-excitation तब होगा if 1 से 3 में excitation होगा. यदि 1 से 3 में excitation होता है तो डी एक्साइटेशन निश्चित 3 से 2 में होगा, तो रेड लाइट एमिट होती है, दिखेगी. मतलब हमें किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जिसके पास इतनी एनर्जी है उससे ये एक्साइटेशन करना है, और इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए 1 से 3 के लिए दैट इज 12.1 ev. सो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12.1 ev. अब हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू डी. This must be greater than equal to 12.1 ev. E से E cancelled, और E must be greater than equal to 12.1 upon d, and d is 1 meter, so E must be greater than equal to 12.1 volt per meter. Under this condition, red light would be radiated. Let's check the answer. 25th, 12.1 volt per meter. हमें इस बात को समझना है. Electric field, d distance, force in electric field is q into electric field. Work done is force into distance, and whatever is work done that is the kinetic energy. So kinetic energy of electron is this. अब यह जो electron जो इस field में एक्सीलरेट हुआ उसके पास यह काइनेटिक एनर्जी आ गई. ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से टकराता है. अब उस हाइड्रोजन एटम से रेड लाइट निकलनी चाहिए, तो रेड लाइट तब निकलेगी जब हाइड्रोजन एटम में 3 से 2 डी एक्साइटेशन होगा, और 3 से 2 डी एक्साइटेशन तब होगा जब 1 से 3 में एक्साइटेशन होगा, और 1 से 3 में एक्साइटेशन के लिए एनर्जी इतनी होनी चाहिए. मतलब टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दिया, यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व कर लिया. Note it down. It's a simple problem. अब हम 27th problem discuss करवाएंगे. इसे note कीजिए पहले. Now let's proceed with the next problem. Problem number 27th. Problem situation, problem condition को ध्यान से पढ़ते हैं. A hydrogen atom moving with speed v strikes another hydrogen atom kept at rest. This is at rest. Find minimum value of v for which one of the hydrogen atom may get ionized. The mass of hydrogen atom is given to us. Mass of hydrogen atom is 1.67 into 10 to the power 27, and minimum V
so that a hydrogen atom is ionized. अब देखिए, अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स करे हैं, खासकर आज के दिन, तो उसमें हमने हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के अलग अलग तरीके सीखे हैं, अलग अलग मिनिमम कंडीशन, लिमिटिंग केसेस, लिमिटिंग कंडीशन सीखी हैं, और इधर भी हम एक लिमिटिंग कंडीशन सीख रहे हैं, एक और तरीका. एक हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर है, दूसरा हाइड्रोजन एटम वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ आता है और इससे टकराता है. यदि यह इससे टकराता है तो, और मास दे रखा है, वी हैव गॉट कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस. नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जिससे कि एक एटम आयोनाइज हो जाए. अब मैं कहता हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम टू गेट आयोनाइज्ड, डेल्टा ई मस्ट बी 13.6 ईवी. हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होएगा यदि इलेक्ट्रॉन वन से इंफिनिटी पर चला जाए, और वन से इंफिनिटी पर यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लॉस इन एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होगी. दिस इज द मिनिमम लॉस इन एनर्जी. दिस हम कहते हैं लॉस इन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस. इनइक्वालिटी उल्टी रखी है, लॉस इन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस. टू आइडेंटिकल मासेस कोलाइड, इनके बीच में इन इलास्टिक कोलिजन होगा, और वह इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी का लॉस यदि 13.6 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाएगा. अब हम कहते हैं इफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यदि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो लॉस इन एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वह मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी वह इससे अधिक होना चाहिए. हम कहते हैं ऐसे केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, पहले मोमेंटम कंजर्व, एम वी प्लस एम इंटू जीरो मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू वी डैश प्लस एम इंटू वी डैश. सो वी डैश इज इक्वल टू V by 2, means velocity after the collision वो half of initial velocity होगी. अब loss in energy मैं लिखता हूं, delta E जो होएगा that is half mv square minus 2 times half mv dash square. This is the loss in energy, or I'll say half m v square minus 2 into v square by 4. So the loss in energy would be half m v square, half m v, v dash ki jagah maine v by 2 likh diya hai. So this becomes half m v square by 2. और 1/4 एम वी स्क्वायर, दिस इज द लॉस इन एनर्जी, एंड दिस लॉस इन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 13.6 ईवी. यह लॉस इन एनर्जी 13.6 ईवी से अधिक होनी चाहिए. मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर देता हूं. अब लिखता हूं 1/4 मास m की जगह मैं यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1.67 इंटू 10^-27. मास m इंटू वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10^-19. नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस. v मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4 इंटू
13.6 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 होल अपॉन 1.67 इंटू 10^-27 अंडर रूट ऑफ दिस. वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, यदि हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी इस वैल्यू से अधिक है, इन दैट वैल्यू इफ यू सॉल्व 7.2 इंटू 10^4 मीटर्स पर सेकेंड, यदि वेलोसिटी इससे अधिक है तो वहां पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, एंड दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 13.6, और यह लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह एक एटम के एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को 1 से इन्फिनिटी तक ले जाएगा, उसको आयोनाइज कर देगा. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. अ हाइड्रोजन एटम विथ वेलोसिटी वी strikes another identical hydrogen atom which is at rest. Mass of hydrogen atom is given. What must be minimum velocity so that hydrogen atom, at least one hydrogen atom must get ionized. Hydrogen atom एक ionize होएगा यदि वहां पर energy का loss 13.6 CV हो जाए, मतलब energy collision के दौरान यदि वहां पर inelastic collision होता है तो energy का loss इससे यदि अधिक होता है तो hydrogen atom ionize हो जाएगा. अब perfectly इनइलास्टिक कोलिजन हमने माना जिसमें मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, और ये मैक्सिमम एनर्जी का लॉस जो है यह इस एनर्जी से 13.6 ईवी से ज्यादा होना चाहिए. हमने इनइलास्टिक कोलिजन का मोमेंटम कंजर्वेशन के द्वारा कंडीशन निकाल ली, फिर लॉस इन एनर्जी लिख दिया, लॉस इन एनर्जी को 13.6 से एक्सीड करके बता दिया, और इसे हमने सॉल्व कर लिया और हमें सीधा सीधा इनइक्वालिटी मिल गई. 27th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के बाद अब हम 28th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए. नाउ लेट्स डिस्कस 28th प्रॉब्लम. 28 प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पहले पढ़ते हैं. द न्यूट्रॉन मूविंग विथ स्पीड u, नाउ वी हैव गॉट अ न्यूट्रॉन मूविंग विथ सम स्पीड u, स्ट्राइक्स अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. यह एक हाइड्रोजन एटम विच इज इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के साथ स्ट्राइक करता है. मूविंग टुवर्ड इट विथ सेम स्पीड, नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड इट विथ सेम स्पीड. Find minimum speed of neutron for which inelastic, complete or partially collision may take place. The mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom. Mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom, and that is 1.67 into 10^-27 kg. Minimum U, so that इनइलास्टिक कोलिजन पार्शली और कंप्लीटली. हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन होगा कैसे कि टकराने पर एनर्जी लॉस हुई, और वो जो लॉस इन एनर्जी है वह इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में कंज्यूम हो जाए. अब हम कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी. Limiting case is when in hydrogen atom एक इलेक्ट्रॉन first से second में चला जाए और 10.2 ev वो एनर्जी absorb कर ले. यह एक limiting case होगा कि hydrogen atom के अंदर जो ground state का इलेक्ट्रॉन है वो first orbit से second orbit में चला जाए और 10.2 ev एनर्जी वह absorb कर ले, और ऐसी कंडीशन में एनर्जी वहां इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वह इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा क्योंकि वहां लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी. अब हम कहते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यदि इससे अधिक हुई तो वहां इनइलास्टिक कोलिजन होएगा. अब
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यदि होएगा तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो, दोनों आए और हम कहते हैं मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होएगा दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज एम यू स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मोमेंटम जीरो, टकराने के बाद दोनों टकराए, आइडेंटिकल मासेस है, टकराने के बाद दोनों चिपक गए, दोनों स्टिक कर गए, वेलोसिटी जीरो हो गई, दोनों रेस्ट पर आ गए और दोनों ने अपनी पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी गंवा दी और फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही रहा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जीरो, मोमेंटम कंजर्व, दिस इज द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। दिस मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 ev, हम कहेंगे दिस इज दैट कंडीशन, मास की जगह पर हम लिख दें 1.67 into 10 to the power minus 27, u square मुझे निकालना है, it must be greater than equal to 10.2 into 1.6 into 10 to the power minus 90, so u must be greater than equal to under root of 10.2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 whole upon 1.67 into 10 to the power minus 27. If velocity of neutron is greater than this value, in that case वहां पर energy loss sufficient होगी और वहां electron 1 से 2 में जा सकता है और वहां collision inelastic रहेगा। Upon solving this, you will get u must be greater than equal to 3.13 into 10 to the power 1, 3.13 into 10 to the power 4 meters per second. This is answer to this problem. बड़े ध्यान से देखें, इस केस में भी एक हाइड्रोजन एटम को, एक ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एक और तरीका, एक और लिमिटिंग कंडीशन समझाई हुई है। अब हम 29th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई थिंक हम आज दो तीन प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर सकेंगे, मैं और भी प्रॉब्लम नोट डाउन कर लेता हूं। सबसे पहले 29th प्रॉब्लम इसी समय पढ़िए, सॉल्व हम इसी को करेंगे।